नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के न्यू कथेड़ में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, जिसके पहले फेज का काम तेज रफ्तार से चल रहा है। इस भवन का बेस करीब तैयार हो गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसका काम शुरू हुआ था। शुरुआत में अस्पताल का काम लटकता रहा। जमीन ट्रांसफर में आई अड़चन के कारण यहां आधारशिला रखने के एक साल के बाद निर्माण का काम शुरू हुआ। इस अस्पताल के निर्माण पर शुरुआत में 90.33 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में 3 जिलों सोलन, शिमला और सिरमौर के मरीजों का रश रहता है, लेकिन क्षेत्रीय अस्पताल का भार कम करने के लिए शहर से बाहर न्यू कथेड़ में नए अस्पताल के निर्माण की योजना बनाई, जिस पर काम चल रहा है। अस्पताल परिसर में 3 फेज इंटरकनेक्टेड होंगे। इसमें 200 बेड का क्षेत्रीय अस्पताल, 50 बेड का लेवल, 3 ट्रोमा सेंटर और 50 बेड का मातृ शिशु अस्पताल होगा। अभी परवाणु से लेकर शिमला तक ट्रोमा सेंटर नहीं है। हाईवे पर दुर्घटना होने पर घायल को शिमला या चंडीगढ़ ले जाना पड़ता है, तब तक जीवन का नुकसान हो जाता है। 6 मंजिला इमारत वाले इस अस्पताल के निर्माण पर करीब 90.33 करोड़ रुपए खर्च होंगे और सभी सुविधाएं होंगी। इस अस्पताल के निर्माण से मौजूदा क्षेत्रीय अस्पताल से मरीजों का भार कम होगा। क्षेत्रीय अस्पताल में सोलन के अलावा शिमला और सिरमौर जिले के मरीज इलाज के लिए आते हैं। यहां एक दिन की ओपीडी 1200 से 1500 तक रहती है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।